वॉइस आ रहा है? ए मिटा, देखिए पहला बोल रहे ना 0.36% है, वो रेशियो में कितना परसेंट होगा? ठीक है, अब परसेंटेज मतलब क्या होता है? 1/100, ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो 0.36% है, ठीक है, परसेंट यानी 1/100, और पॉइंट अगर हटा दिए तो जीरो, नीचे 2 को 0 और आ जाएगा, ठीक है, तो अब क्या हो गया? ऊपर क्या हो गया? 36, और नीचे क्या हो गया? 10,000, ठीक है, 100 था ना, 2 0 और आया तो 10,000 हो गया, तो ऊपर क्या है? अब हम उसको काट देंगे, तो ऊपर कटेगा 9 बार में, नीचे कटेगा 2500, ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है, 4 से काटे थे, आगे समझ में? अगला क्वेश्चन है, 37 इज व्हाट परसेंट ऑफ 55? 55 का जो 37 है कितना परसेंट होगा? तो ये भी एकदम इजी है, आराम से निकाल सकते हैं, 67.27%, इसको बताने का ऐसे जरूरत है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 28% और 525, 525 का 28%, पहले इसमें देखिए ये है ना, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड परसेंट है, स्टैंडर्ड परसेंट मतलब क्या बोल रहे हैं, जैसे 4%, 4% का वैल्यू क्या होता है? 1/25 होता है, तो ये 4 का 7 गुना, यानी 7/25 है, 7/25 निकालेंगे 525 का, तो ये 25 से 525 कितना बार में जाएगा? 21 बार में, और 21 सते 147, अब देखिए मल्टीप्लाई भी है ना, वैदिक मैथ्स में जो मल्टीप्लाई होता है वो इधर से होता है मल्टीप्लाई, जैसे 7 दूनी 14, 140 और 7 147, ठीक है। चलिए अब इसमें पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, इसमें से सबसे कम कौन सा है, ठीक है, अब 12% निकालना है 625 का, ठीक है, अगर 625 का 12% यानी 4 तिया 12, यानी 3/25, 625 का 25 बार में 25 तिया 75 हो जाएगा इसका, 15% निकालना है, ठीक है, 15% निकालना है 555 का, यानी 3/20 गुना 555, ठीक है, 10% तो 72 ही हो जाएगा, ठीक है, 9% निकालना है, तो बेसिकली जो इसका आंसर जो होगा ना, पहले देखिए ये तो ऐसे ही छट गया, लीस्ट बोला ना, तो ये तो ऐसे ही छट गया, अब देखिए 20 है, 20 को इससे काटिएगा, ठीक है, तो ये मोटा मोटी मान के चलिए 2 2 4, 2 2 2 लगभग ये भी जाएगा, तो 66 मतलब अबव जाएगा, ठीक है, जैसे 555 है ना, इसको आप 20 से अगर काटिएगा तो ये लगभग आपका बोल सकते हैं 27.75 आएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये लगभग 80 के आसपास चल जाएगा, 80 के आसपास चल जाएगा, उससे ऊपर चल जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, और ये 9%, 9% यानी 10% भी अगर इसका निकालिएगा तो 84 होता है, ठीक है, और 1% यानी 8 इसमें और घटा दीजिएगा तो भी 72 से तो कम नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर 10 होगा, ठीक है, 10% ऑफ 720, ठीक है, अगर 9% निकालना है ना कोई भी चीज़ का, तो 845 का 10% निकाल लीजिए 84.5 होता है, ठीक है, 1% होगा 8.4, ठीक है, तो इसमें से इसको घटा दिएगा तो हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा, और 84 में से आपका 4 8 घटा दिएगा तो 76, मतलब ये भी इससे ज़्यादा हो रहा है, तो ओवरऑल आंसर इसका यही होगा, ठीक है। 5वां नंबर का आंसर जो है यहाँ 48 दिया हुआ है, इसमें मतलब कि परसेंटेज से परसेंटेज, 1% मतलब परसेंटेज क्या होता है? 100 होता है, 1% से इधर 2 0 खत्म, 1% से फिर इधर 2 0 खत्म, ठीक है, तो अब देखिए 12 5 60, ठीक है, 12 5 60 और 60 गुना 8 480, पर यहाँ 8 में क्या था? 0 था, 0.08 था, तो अब यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 1 डिजिट यहाँ से हटा के 48 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, देखिए 0.08 था ना, तो 480 हटा, पॉइंट हटा, 2 0 जाएगा तो 48 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये 17.5%, ठीक है, 17.5%, 3/1 4% और 33.5%, इसका निकालना है 72,000 का, अब देखिए 72,000 है, ठीक है, और 1/ मतलब 33.5 कितना होता है? 1/3 होता है, ये वाला परसेंटेज हमको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, इस परसेंटेज से इधर 2 0 हटा देते हैं, ठीक है, ये वाला परसेंटेज से इधर का 2 0 हटा दिए, तो ये कितना? 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 हो गया, ठीक है, और ये 17.5%, सत्रह दिन 34, 35/2 परसेंटेज में है ये, ठीक है, अभी भी परसेंटेज में, याद रखिए 35/2 लेके आदमी गलती कर देता था, पर ये 35/2 × 100 है, ठीक है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा ये चीज़ को, तो ये 1/40 आएगा, मतलब 7/40 आएगा, ठीक है, 7/40 आएगा, अब इसे हम सीधा सीधी काट देंगे, 4 तिया 12 और 12 का 12 में 72 आता है, 12 5 60 और ये 6 बार में, ठीक है, तो 4 तिया 12 से 72 कट जाएगा 6 बार में, और 13 × 6/40, अब ये 13 गुना 6,
और इधर 7 है, ठीक है, 13, 13 × 7 × 6 और डिवाइड बाई, अच्छा 40 नहीं है, नीचे 20 हो जाएगा, हाँ नीचे 20 हो जाएगा। अब देखिए 7 × 6 = 42, देखिए ये 7 और ये 6 = 42 हो गया, और 42 × 13 करना है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 273/20, यानी अप्रोक्स जो आंसर आएगा 13 से प्लस आएगा, यानी ये। अब देखिए ये वाला मल्टीप्लाई कैसे हुआ फास्ट, वैदिक मैथ में बोलता है 3 × 6 = 4, 4 × 4, ठीक है, 4 × 3 = 12 और 2 × 1 = 2, 12 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, यानी 6 × 8 = 6, गलत कैसे हो रहा है? अच्छा, ये 2 है ना, यहाँ 20, 3 होगा यहाँ पे, ठीक होगा, 13 × 7 = 21, 21 को 13 से मल्टीप्लाई करके बनाया था ये वाला, इसको हटाना पड़ेगा, 21 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 40 भी कटा 2 बार में और ये कटा 3 बार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20%, 40%, 30% और 75% निकालना है 34,000 का, मतलब 3400 का। 20% क्या होता है? 1/5, 40% 2/5, 30% 1/3, 75% 30% होगा 3/10, ठीक है, 75% होगा 3/4, हाँ देखिए 10% को क्या लिखते हैं, 1/, ठीक है, 20% निकालना है 2/10, 20% यानी यानी 1/5, 2% 20% हो गया 1/5, 40% यानी 20 का डबल है, यानी 2/5, 30% 3/10, और 25% क्या होता है, 25% होता है आपका 1/4, और 25 का 3 गुना यानी 3/4। अब इसको 3400 से डिवाइड करना है, ठीक है, ठीक है, 1 0 से इधर 1 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए 5 × 20 और 20 × 5 = 100, नीचे तो 100 हो गया, ठीक है, अब ऊपर देखिए 3 × 6 और 6 का डबल 12, ऊपर हो गया 12 × 34, कल आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा आपका आंसर आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 3 × 1 = 3, 3 और 4 × 4 = 3 × 6, अच्छा 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 हो जाएगा ऊपर, एक मिनट, ऊपर हो गया 18, नीचे हो गया 34, ठीक है, एक मिनट, नेटवर्क नहीं चल रहा, 18 और 34 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 18 और 34 को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 8 × 32, 3 × 1 = 3, और 8 × 3 = 24 और 4, 28 और 28 का डबल 56 यहाँ लिखते हैं, ठीक है, उसको बैलेंसिंग कर देते हैं, 6 × 3 = 9 और 5 × 3 = 8, ठीक है, गलत हो रहा है कुछ, 8 × 32 यहाँ से 28 ही होगा, 2 8 9 10 11, 2 × 2 = 8 × 11 का एक हाथ में, और ये 6 612, ठीक है, और 612 यानी अप्रॉक्स यही आंसर हो गया इसका, आया समझ में? इसको मल्टीप्लाई करने का है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करके 32 लिखिए, 4 × 1 = 4 और 8 × 2 = 24, 24 और 4 = 28, 28 यहाँ लिख दीजिए, 3 को 3, और फिर बैलेंसिंग करके 612, 34% निकालना है 12 किलोमीटर का, तो 12 किलोमीटर होता है कितने, 12,000 मीटर, ठीक है, अब आंसर है सेंटीमीटर में, तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और 34% निकालना है तो परसेंटेज से तो 2 0 हट ही जाएगा, ठीक है, अब बेसिकली 34 को इधर 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो सब में आंसर में देखिए 408 408 408 सब में दिख रहा है, तो बेसिकली ये देख लीजिए 0 कितना आएगा, ठीक है, 0 इधर 3 है तो लगभग 3 ही 0 आएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है 1 घंटा 45 मिनट जो एक दिन का कितना परसेंट होता है, एक घंटा 45 मिनट डिवाइड बाय 60, 15 × 3 = 45, 15 × 60, फिर नीचे कुछ नहीं है तो एक है, नीचे ले लीजिए 4 4 और 3 7/4, ठीक है, 7/4 घंटा निकल गया, 60/4 घंटा जो है वो 24 घंटा का कितना परसेंट है, ठीक है, अब इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60/4 = 24 1, और परसेंटेज में 100%, 4 का 12 में 100 कितना बार में आएगा, 25 बार में, ठीक है, अब तो बाकी उनको लगे आगे आप सॉल्व कर ही लीजिएगा, 7 × 25 / 24 यही करना है आगे, 60 × 25 / 24, ठीक है, लगभग आप मान के चलिए 24 को 25 से करिएगा तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 7 को 1 पॉइंट समथिंग से करिएगा तो थोड़ा ऊपर जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
7 गुना 25 आप करिएगा तो 175 ऊपर हो जाएगा, देखिए ऊपर हो जाएगा 175 और नीचे हो जाएगा 24, ठीक है, और 24 से लगभग करिएगा तो 7.291, ठीक है, इतना आ जाएगा आपका इसका आंसर। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, देखिए सात 24 25, ठीक है सिंह, ठीक है आगे देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 49% ऑफ एक्स, 49% ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन वाई परसेंटेज ऑफ 50, ये वाला क्वेश्चन बनेगा कि बना दे, इसमें करते क्या ना 49 को आधा कर लीजिए, 49% मतलब क्वेश्चन में करते 49 को आधा कर लीजिए, ठीक है, तो इधर वाई का भी 2 हो जाएगा आधा, और वाई का ये आधा परसेंटेज भी पूछा था, तो 49 का आधा कितना हो जाएगा आपको 24.5 हो जाएगा, ठीक है, यानी 20 वाई का ही वैल्यू पूछा था ना, तो 24.5% हो गया इसका आंसर। 11 नंबर, 5% हो जाएगा फ्री वाला, ए इज 95% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी बनेगा ये, क्या होगा इसका आंसर, व्हाट इज द परसेंटेज इन केस द नंबर इफ बिकम इट 6 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल, सीधा 500 हो जाएगा इसका आंसर, 500 हो जाएगा इसका आंसर, 6 गुना हो जाएगा तो 500, 8 गुना हो जाएगा तो 700, मतलब जितना टाइम होता है ना उससे एक कम परसेंटेज बढ़ता है, इसमें देखिए कहानी क्या है, 200 है, ठीक है, बोल रहा है इसका 6 गुना हो गया, तो मोटा मोटी अगर 6 टाइम्स बोल रहा है तो इसका 6 गुना मल्टीप्लाई करिए, पर छोटा एग्जांपल से ले लेते हैं, 100 से लेते हैं तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, देखिए 100 है, ठीक है, इसका 2 गुना हो गया यानी 200% हो गया, यानी बढ़ा कितना हुआ, कितना 2 गुना, और परसेंटेज चेंज कितना हुआ 100%, 100 है 3 गुना हो गया यानी 300 हो गया, पर परसेंटेज चेंज कितना हुआ 200, यानी 200% हुआ, ठीक है, अगर 50 है बोलते हैं तो 4 गुना हो गया यानी 200 हो गया, ठीक है, परसेंटेज चेंज कितना हुआ 300% हो गया, एक 50% कितना हुआ 100, और 50 50 50, ठीक है, 3 बार 50 करेंगे तब ना 200 पहुंचेगा, यानी जितना गुना होता है उससे एक मतलब उससे एक कम परसेंटेज होता है, ठीक है, अगर यहाँ बोल देता 7 गुना हो गया 7 टाइम्स, तब इसका आंसर कितना होता 600 होता, ठीक है, यही हाँ वही यही सही है, ठीक है, जितना गुना हुआ उससे कम होता है, एकदम सीधा ट्रिक, एज 19 टाइम, ठीक है, एज जो है 19 गुना, यानी मतलब 1800%, यानी 1800%, समझे, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं अच्छे से, जैसे ए वन है, ए वन कितना है 19 गुना ज्यादा है, ठीक है, मतलब 19 टाइम ज्यादा, मतलब 19 से एक किससे, ए टू से, ठीक है, मतलब ए टू अगर एक है तो उससे 19 ज्यादा यानी 20, 19 टाइम ज्यादा है ना, यानी 20 है, देन ए टू, देन ए टू इज व्हाट परसेंट लेस देन ए वन, मतलब अब ए टू जो है ए वन से कितना कम है, ठीक है, ए वन से कितना कम है 19 कम है, 20 में से कितना 19 कम है ना, तब 19/20 कितना होता है 1/20, हम आपको अभी बताया था कितना था 5% होता है, और 5% × 19 यानी जो भी नंबर है उसका आधा कर देंगे, ठीक है, 19 का आधा कितना होगा 9 × 2 = 18, 95, हाँ 95 हुआ, अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95%, ठीक है, जो भी नंबर अगर कोई भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 120 है तो इसका 120 का आधा 60 कर दीजिए, एक जगह लगा दीजिए, हो गया 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, अगर मान के चलिए कोई भी नंबर लेते हैं, आप ही बोलिए नंबर, 21 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी 10.5 होता है ना, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 105, यानी 5 से अगर आप कोई भी चीज़ को मल्टी 5 से अगर 21 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 105 आएगा, ठीक है, तो ऐसे हो गया। 15 नंबर समझ में आया, आगे बढ़े, 16 नंबर बन जाएगा, देखिए 4/5 है, ठीक है, पहला नंबर है 4/5, दूसरा नंबर है 5/6, ठीक है, दोनों रेशियो में है, बोल रहा है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना परसेंटेज कम है, इसको सीधा ऐसे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25, यानी 24 से, मतलब बोला दूसरा नंबर, यहाँ पूछा व्हाट परसेंट, फर्स्ट नंबर पहला नंबर कितना कम है दूसरा से, तो दूसरा नंबर कितना 25, और 25 से एक कम है, और 1/25 कितना कम हो गया 4% कम हो गया, 17 नंबर, 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी, बी इज एक्स परसेंटेज ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स होगा, इफ 91% ऑफ ए, मतलब ए का कितना 91%, ठीक है,
ए का 91% जो है, इफ 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी, बी का 39% ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ठीक है, 7 बार में 3 बार में, ठीक है, यानी ए बटे बी का जो रेशियो बना कितना बना, 3/7 बना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, बी इज, बी जो है कितना परसेंटेज है ए का, ठीक है, बी जो है कितना परसेंट है एक्स का, तो अब ए यहां से निकाल लेंगे, ए है 3, ए यहाँ पे 3 है और बी है कितना 7, ठीक है, बी जो है एक्स का कितना परसेंट है, बी मतलब बी बोल रहा है ए का कितना परसेंट है, 7 और 3 ठीक है, गुना 100, 1/3 होता है 33%। अच्छा इसमें फ्रैक्शन में दिया हुआ तो ऊपर हो जाएगा 700, नीचे हो जाएगा 3, ठीक है, तो 700/3, यहाँ यहाँ आंसर दिया हो ना फ्रैक्शन में, तो 700/3 हो जाएगा, आगे समझ में बन गया, बन तो जाना चाहिए, बता देखे, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ठीक है, 5 का पहाड़ा में 5 बार में, और 5 का पहाड़ा में 85 कितना बार में, 17 बार में, ठीक है। अब इसको इसे मल्टीप्लाई करिएगा, फिर इसको इसे मल्टीप्लाई करिएगा, 17x और 5x, ठीक है, 17 में से 5 गए नहीं, 12x हो जाएगा, ठीक है, 17y और इधर 5y, 17 और 5 यानी 22y हो जाएगा, एक्स वाई का जो रेशियो आएगा वो 11/6 आएगा, और वही यहाँ पे पूछा है कितना परसेंट है, 6/11 कितना परसेंट है, 1/11 कितना होता है, 1/11 होता है 9.09%, 9×54 और 9×54 यानी ये वाला हो गया आंसर, अगर ऐसे, अच्छा ऐसे ही दे दिया तो फिर आप, एक बटे ग्यारह जो होता है 9.09% होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर परसेंटेज में देता तो इतना परसेंट होगा, पर यहाँ इसी को सीधा मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, ऊपर हो जाएगा 600/11, अब इसको जब डिवाइड करिएगा तो 11 का पहाड़ा में 654 और इधर 6, ऐसे लिखा है, ठीक है, अगर आप ये लिखते हैं तो भी सही है, ये लिखते हैं तो भी सही है, ठीक है, दोनों तरीका से बता दिए। अगला क्वेश्चन, ये तो ऐसे ही बन जाना चाहिए, देखिए इसमें से कौन सा क्वेश्चन बताना है, 19, 20, 21, 22, 23 बन जाए, 20 नंबर बताएं क्या, देखिए इसमें क्या परसेंटेज से इधर परसेंटेज हटेगा, ठीक है, बेसिकली इसमें देखिए होगा क्या, एम परसेंटेज ऑफ एम, ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे तो 100 था ना, एम स्क्वायर 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2% ऑफ एम एन, यानी 2mn/100, 100 तो हर जगह से काट देंगे, तो बेसिकली यही हुआ ना, यानी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी एम माइनस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी एम इज इक्वल टू एन, यानी एम एन का कितना परसेंट है, 100% है, ठीक है। देखिए ए वाला क्वेश्चन को इतना यहाँ पे तो इतना लिखना ही नहीं है, बस ये इतना दिख गया, मतलब एम माइनस एन इज इक्वल टू 0 यानी एम एन बराबर, ठीक है, तो इसको ऐसे दिमाग में करने की कोशिश कर लीजिए। 21 तो बना लीजिएगा, काफी आसान है, 22 नंबर भी हो जाना चाहिए, 400 का 25% कितना होगा, 100 होगा, ठीक है, 35% कितना होगा, 441 होगा, 27% इससे कितना होगा, 486 होगा, ठीक है, 100 मैन निकालना माइनस करके निकल जाएगा, वो भी वैल्यू में पूछा कितना से कितना का बीच में होगा, देखिए 25% निकालना है तो 1/4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 35% निकालना है तो कितना से मल्टीप्लाई करिएगा, 1260 को, 5 का पहाड़ में 7 बार में, देखिए 0 0 कट गया, 2 का पहाड़ा में 126 कितना आता है, 63 का बार में, 63×7 कर लीजिए, ठीक है, 7×6 42 और 7×21 यानी 441, कितना आराम से निकल जाता है, तो ऐसे करके आराम से बना लीजिएगा। अब इसका भी निकालना है तो पहले 30% निकाल लीजिए, 30% में 3, पहले 30% निकालिए और 30% में 3% घटा दीजिए, ठीक है, ले तो उससे भी बढ़िया तरीका बताएं, 27 को 18 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, 60×8=56, ठीक है, 8×2=16 और 4×20=23 और 2 यानी 6×5=3 8 2×2=4 486 आ गया, ठीक है, परसेंटेज मतलब 100 होता है, ये यहाँ से ये जीरो कट जाएगा, 27 को 18 से ही मल्टीप्लाई करके लिखना था, अगर मल्टीप्लाई आपका फास्ट है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वेदिक मैथ्स देखे हैं मेरा वीडियो सर आप, तो देख लीजिए मल्टीप्लाई बताएं, 22 तक हो गया, 23 क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाना चाहिए, 23, 24, 25, 26 दिखा, 26, 26, 27, 28
एक बटे आठ कितना परसेंट होता है? ऐसे कैसे बनेगा, ऐसे कैसे बनेगा? देखिए देखिए जल्दी जल्दी बता, 1/8% रोटेन है ठीक है, मतलब 100% था उसमें 1/8 होता 12.5%, ठीक है 87% आ गया। फोटोग्राफ में बोल रहा है कि एफ का प्लेस में पीएच लगा देंगे, ठीक है एफ यहाँ पे कितना ग्राफ, PHOTOGRAPH, ठीक है एक जगह पीएच यहाँ पर है, एक जगह पीएच यहाँ पर है, दो बार है, दो बार यहाँ से कम हो जाएगा, यानी कितना कम हो जाएगा, लगभग 20% कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 40,000 से 45,000 हो गया, कोई भी नंबर 40,000 से 45,000, 5,000 बढ़ा, कितना में 40 में 5 बढ़ा, यानी 1/8 यानी 12.5%, ये भी उतना हो गया। ऐसे बनाना है, आप ऐसे बनाते हैं तो ऐसे बनाना है। आगे देखिए उतना लिखना भी नहीं है, सीधा आंसर बताना, जनसंख्या ये वाला है जनसंख्या वाला, क्या पॉपुलेशन जो है टाउन का वो घट गया, 3 लाख कितना है, 3,68,000, हाँ 3,68,000 2017 में, हाँ 3,68,000 था 2017 में, और 3,27,000, अरे यहाँ से पहले 2 जीरो हटाइए, यहाँ से पहले 2 जीरो हटाइए फिर आगे बात करेंगे, ठीक है 3,680 था, 3,272 हो गया 2020 में, 3 साल में तो कितना डिक्रीज हुआ है। हाँ बस लगभग अभी तक घटाइएगा भी ना, 3,680 को 3,272 से घटाइएगा, ठीक है 6 में से 2 गया 4, 3 लिखे यहाँ पे, नहीं, 4 ही लिखे, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 7 गया, 1 होता है पर यहाँ 0 लिखे, और यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, 408 हुआ, और था कितना 3,680 इतना था, इतना से इतना हो गया। आप लगभग देखिए 360 यानी 10% से ज़्यादा, 10% से ज़्यादा यानी ये नहीं होगा, होगा कौन सा, ये दो, ये तीनों में होना चाहिए, ठीक है। अब इसको निकालने का देखिए एकदम आसान तरीका, 368 पकड़िए, ठीक है और इसमें 40 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, यानी 10% से 40 और ज़्यादा, ठीक है तो लगभग 11% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनके सुन लैपटॉप पे एक चार्ज फोन लगा देता हूँ, आगे क्वेश्चन बनेगा 30-31 बनेगा, तीस इक्कीस दोनों आपको दिख रहा है ना स्क्रीन, हाँ तो स्क्रीन बड़ा नहीं होता है और कितना बड़ा करें, और बड़ा करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, हमको लग रहा है कि वो पूरा ज़्यादा फोन में नहीं होगा बड़ा, फोन में आप देख सकते हैं वहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा तो कर सकते हैं, दिख नहीं रहा है क्या इतना, फोन में ऑप्शन होगा ना तो उसका टच करके ऐसे फैलाइएगा ना तो बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इसमें 11% पहले तो 10% इसका 368 का, 10% कितना होगा 368 होगा, 1% कितना होगा, कौन सा वाला, ये वाला 29 नंबर, ठीक है 10% हो गया 368, 1% हो जाएगा 36.8, दस परसेंट हो गया 36.8 आपका, और 1% हो जाएगा 3.68। हेलो हेलो आ रहा आवाज़, आवाज़ आ रहा है, तो ये वाला तो बना ही लीजिएगा फिर तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आए 30 नंबर, 31 भी हो जाएगा। हेलो आ रहा आवाज़, हेलो 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 30 नंबर कैसे बनेगा, इसका ट्रिक बताएं 30 नंबर का। देखिए क्वेश्चन है परसेंटेज में, आंसर भी आएगा आपको परसेंटेज में, ठीक है तो ये नंबर को भूल जाइए, ठीक है बोल रहा है बाई व्हाट परसेंट, 74% इज 39 से 74 कितना ज़्यादा है, रुकिए हम फोन लेके आते हैं। इसमें जो नंबर लिखा हुआ है 1800, ये बुड़बक बनाने के लिए लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन ने पूछा 74% जो है 39% से कितना ज्यादा है, बेस मेरा कितना है 39%, 74 39 से कितना ज्यादा है, बस खाली मुझे यही निकालना है, इसी को आपको कैलकुलेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? अगला क्वेश्चन 31 नंबर, फैक्ट्री में 48% जो नंबर है मेल वर्कर है, 2/3 वाला फीमेल है, बन जाएगा ये
कौन सा? 230 है। देखिए 48% जो है ना फैक्ट्री में, जो 48% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर, जो मेल वर्कर का जो 48% है, मेल का 48% 12/25, क्योंकि 1/25 कितना होता है, 4%, और 12 × 48 होता है, इसलिए 12/25 जो मेल है वो 2/3 फीमेल के बराबर है। तो मेल और फीमेल का रेशियो ही पूछा था, मेल फीमेल का रेशियो 25/18 हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, 6 बार 18, इधर 25 उधर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अपने 25/18 आंसर 32 नंबर। तैतीस, चौतीस, थर्टी फोर या 35, 33 बताना है। देखिए कैसे बनेगा, दो का नंबर है ए और बी है, ऐसा है कि 8% ऑफ ए, ए का 8% और बी का 5%। ठीक है, कितना है वो, 3/5 है, किसका सम का, ए का 12%। ठीक है, एंड बी का 10%। ठीक है, हाँ इतना बोल रहा है, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में, और ए और बी का रेशियो पूछा था, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर से आप मल्टीप्लाई करिएगा, इधर से मल्टीप्लाई करिएगा, आपके आंसर आ जाएगी, मल्टीप्लाई भी कर दे क्या। ठीक है, देखिए ना क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा, सम ऑफ 8% ऑफ ए एंड 5% ऑफ बी, यानी सम ऑफ 8% ऑफ ए और 5% ऑफ बी, आया समझ में? कलर चेंज कर ले क्या, ब्लू बन जाएगा, अब 34 में बन जाएगा, 35 में बन जाएगा, कि बताना ये दोनों 34 35 में। द प्राइस ऑफ 34,000 लिखा हुआ है ना, कंप्यूटर का प्राइस 34,000, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर आफ्टर एडिशन, 17% घटाने के बाद, कैसे करिएगा? ऐसे नहीं करना है मैडम, इसको सीधा 83 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इधर से जीरो हटा देना, यानी 340 को 83 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 34 को 83 से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसमें जी एक जीरो लगा दीजिएगा, इतना हो जाएगा। देखिए हम आपको वैदिक मैथ पढ़ाए हैं, हम आपको वैदिक मैथ बताए हैं, वैदिक मैथ में ये मल्टीप्लाई पर ज्यादा फोकस काहे किए पता है, इसीलिए अगर अगर आपको मल्टीप्लाई बहुत जल्दी हो जाएगा तो ये वाला आप कितना जल्दी बनाइएगा, अब वैसे ही बन जाएगा, नंबर को 57% बढ़ाते हैं तो। हाँ ये नंबर है, देखिए ये वाला, इसमें भी देखिए 57% बढ़ गया, यानी 157 का वैल्यू है 942, और आपसे पूछा क्या जी, 100% का वैल्यू बन जाएगा, ये गुना 6 है, ये भी गुना 6 है, यानी 600 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे देखिए इतना पकड़ का लेते हैं, 7 × 6 = 42 होता है, और यहाँ 42 ही। ठीक है, अगला एक नंबर है जिसको 16% बढ़ाते हैं, तो इतना भी वही बन जाएगा, 116 का वैल्यू दिया हुआ है, आपसे 100 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, इसमें वही करिएगा क्या? नहीं, इसमें 116 है ना, जो ये 116 से 194 है, फिर उसके बाद 100 है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पर ऐसे इसमें नहीं करना है, आ जाएगा आंसर, इससे भी आ जाएगा आंसर, आ जाएगा, पर इसमें करना क्या, 16% बढ़ जाता है, फ्रैक्शन से बनाइए, पहले 25 था, 16 बढ़ गए, यानी 4 बढ़ गए, 29 हो गया। ठीक है, 29 का वैल्यू है 1914, 25 का वैल्यू निकालना है, 66 गुना है, और 25 को 66 गुना करना है। हाँ अब समझ में आया, ठीक है आगे देखते हैं। 37, 37 इजी है, बन जाना चाहिए। डीपी कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है, फरीदा शिफ्टेड अ जॉब टू अ जॉब, फरीदा शिफ्टेड टू अ जॉब टू द सोशल सेक्टर एट द मंथली सैलरी ऑफ 28% लेस देन द मंथली सैलरी शी वाज गेटिंग हर प्रीवियस। पहले क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, पहले देखिए, पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए। अभी कितना मिल रहा है उसको, 27,000। ठीक है, पहले उसको कितना मिल रहा था, 28% कम, तो अभी क्या है, 28% ज्यादा मिल रहा होगा, यही है ना कहानी। इसका आंसर कितना है, एक बार शीट में देखिए तो,
देखिए इसको ना, ये बनेगा रेशियो सही बनेगा। छोड़िए तो बता रहे थे, फायदा से फायदा जॉब ना, तो मंथली सैलरी 28% कम, अभी उसको मंथली सैलरी 28% कम मिल रहा है। 28% यानी पहले उसको 25 मिलता था, अब उसको 28% कम मिल रहा है। तो 28% यानी 7 कम मिल रहा है, ठीक है, यानी मिल कितना रहा है 18, ठीक है। ये ओल्ड है, ये न्यू है, ये समझ में आया 25 और 18 कैसे हुआ? एक एक बटे 25 होता है 4%, 28% कम मिल रहा है, यानी 28% कम मिल रहा है, 28% कम मिल रहा है, यानी 7, यानी -7/25, और 25 में से 7 घटाइएगा तो 18, यानी 18 मिल रहा है। 18 का वैल्यू दिया हुआ है 27,000, 25 का वैल्यू निकालना है, अब तो हो जाना चाहिए। 27,000 को 18 से डिवाइड करिएगा तो ये लगभग 1500, और 1500 को और 25 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 37,500 आएगा इसका आंसर। बन गया ना क्वेश्चन, भी आ गया समझ में? वही ना, इसमें बोल रहा है कि फायदा शिफ्टेड टू अ जॉब सोशल सेक्टर, ठीक है, अभी वो सोशल सेक्टर पे आ गई है जहाँ पे उसको 28% कम मिल रहा है, यानी पहले उसको ज्यादा मिलता था, है ना, वही लिख रहा है ना। अगर आप हिंदी में पढ़ते तो हिंदी में भी वही है कि अभी उसको 28% कम मिल रहा है, पहले ज्यादा मिलता था। 25 हो गया आपका, पूरा 25 कितना हो गया, 4 गुना 25 यानी 100, पहले उसको पूरा 100% मिलता था, अब उसको 28% कम, अब उसको 18 मिल रहा है, 18 का वैल्यू 27,000 दिया, 25 का वैल्यू निकालना है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 27,000/18×25, ठीक है, जैसे भी करके बात वही पड़ता है। आगे क्वेश्चन पे आए, 38, 39, 40। अड़तीस बनेगा, अब बनेगा 75/2 यानी 37.5%, 37.5% यानी 12.5% होता है, 1/5 यानी 3/8, मतलब 8 से 3 कम हो गया, ठीक है, 8 था 3 कम हो गया यानी 5 हो गया, 5 का वैल्यू दिया हुआ है 378, 8 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका क्या, 39 या 40। एक फ्रूट सेलर है, वो कुछ वाटरमेलन बेचता है, 45% जो वाटरमेलन है वो बेचता है, ठीक है, और उसमें वो 495 वाटरमेलन बेच पाता है, भाई यही सर, 45% वाटरमेलन एंड स्टील हैज 495 वाटर, मतलब 45% बेचने के बाद 495 बच जाता है, यानी 55% का वैल्यू दिया हुआ 495, ठीक है। हाउ मेनी वाटरमेलन ऑरिजिनली हैड, उसके पास ऑरिजिनली कितना था? देखिए 45% बेच देता है, यानी 20 में से वो 9 बेच देता है, ठीक है, 5% कितना होता है, 1/20, 45% बेचता है यानी 9/20, यानी 20 में से वो 9 बेच दिया, ठीक है, 20 था, 9 बेच दिया, 11 बचा, 11 का जो बचा हुआ है 495 है, 20 का पूछा है, 11 का पहाड़ा में 4 बार में 44 और 5 बार में 55, 45 बार में, तो इसको 45 से करिएगा तो 900 आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर 11 से डिवाइड है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? 5 और 4 को जोड़िए 9, और इसको 9, यानी 0 आ रहा है, डिवाइड हो जाएगा, 11 आएगा तो भी डिवाइड हो जाएगा, 22 आएगा तो भी हो जाएगा, 33 आएगा तो, मतलब 11 का कोई भी मल्टीपल होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपको धीरे धीरे सारा नंबर सिस्टम भी सिखा दे रहे हैं। अभी 11 का बता दिया ना, 13 का, 7 का, तीन तीन नंबर, एक वैदिक मैथ्स में भी है डिविजिबिलिटी रूल, जैसे कोई भी तीन नंबर, तीन नंबर, तीन नंबर है ना, तीन नंबर इधर है, तीन नंबर इधर है, तीन नंबर इधर है, इधर इधर का, फिर इधर का जो भी पहले पहले है सुबह घटा के तीन डिजिट में कोई भी नंबर को लेके आ जाइए, फिर उसको डिवाइड करके देख लीजिए, सिंपल नंबर सिस्टम में बताएंगे उसको अच्छे से। 40 नंबर देखिए, 41 नंबर देखिए, ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, 6% कोई आर्टिकल का प्राइस को घटा देते हैं तो वो 1551, व्हाट वुड बी द प्राइस इफ, अगर 5%, 105% का वैल्यू बोला है, 94% का दिया हुआ है, मतलब 1551 जो है वो आपका 94 का है और 105 का निकालना है, ठीक है, ये वन स्टेप सॉल्यूशन है। 27% कोई नंबर को बढ़ा देते हैं, बनेगा ये वाला 41, सताइस परसेंट जो नंबर है वो 13% वही नंबर का सेम नंबर से 56 ज्यादा है, मतलब डिफरेंस 56 है, यानी 27-13% जो है उसका वैल्यू 56 दिया हुआ है, यानी 14% का वैल्यू 56 दिया हुआ है, 100% का निकालना है, ठीक है। आगे 42, 43, 44, 60% कोई नंबर है वो 120 ज्यादा है 20% का नंबर से, 28% जो नंबर है 33% का कितना होगा, यही पूछा, बताइए हो जाएगा, बन जाना चाहिए, 60% जो नंबर है वो 120 ज्यादा है 20% ऑफ वही नंबर का,
ये वाला बन जाएगा 43, नंबर भी बनेगा 43। डिफरेंस बोला, डिफरेंस बिटवीन दो को वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नंबर, कोई नंबर को 32% बढ़ा देते हैं और कोई नंबर को 28% घटा देते हैं, तो उसका वैल्यू 180। अभी हम बताए थे 28 और 32 का, 32 बढ़ा रहे हैं, 32 बढ़ा रहे हैं, 28 घटा रहे हैं, इसका डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, 28 और 32 का डिफरेंस कितना होगा? अब देखिए ये माइनस और प्लस प्लस हो जाता है, ठीक है, 32 माइनस माइनस 28, ठीक है 60 हो जाएगा, 60% का वैल्यू दिया हुआ है 180, यानी 3 गुना है, तो 100% का भी निकालिएगा तो वो भी 3 गुना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब इसमें ये नहीं कि 60% है इतना तो 1% हम निकालेंगे फिर उसके बाद ऐसे करेंगे, नहीं, देखिए 60 का 180 दिया हुआ है 3 गुना है, तो 100 का भी 3 गुना करिए 300 आ जाएगा। ठीक है, 44 बन जाना चाहिए, 44 देखिए, 44, 45, 46 बन जाएगा ना। एक नंबर को 216 बढ़ाते हैं तो 140 हो जाता है, मतलब 40% का ही वैल्यू दिया हुआ है 216। ठीक है, 100% का निकालना है, ठीक है, 85% कोई नंबर में 75 ऐड करता है, फुल नंबर 85% ऑफ द नंबर इज एडेड टू 75, देन द रिजल्ट इज इटसेल्फ, मतलब 15% का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए 15% का वैल्यू दिया हुआ है 75। ठीक है, 100% का निकालना है, हो जाएगा कि बता दे दोनों। देखिए 85 कोई भी नंबर जो है 80, वो अपने खुद में वो 85% था, ठीक है, खुद में वो 85% था, उसमें हम 75 जोड़ दिए तो वो क्या हो गया 100% बन गया, तो ये मतलब 75 क्या था, 15% था, 15% का वैल्यू दिया हुआ है 75, 100% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 15 का बना 75 कितना बार में आता है, 5 बार में, तो 100 को भी 5 से मल्टीप्लाई करिए, हो गया ना। ये वाला भी जो चीज जो है ना, ये भी बहुत जन को नहीं पता है, ये वाला चीज, ये 15 को नहीं, नहीं 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 होता है, तो 100 पहले ही 15 से पहले 1% निकालता है, बहुत जन को देखें 1% निकालेगा, ये वाला ऐसे करते हैं ना डायरेक्ट। 46, 47, 48, 58% कोई नंबर का है, ये भी बन जाना चाहिए, उसमें जोड़ था, इसमें माइनस कर रहा है, देख भाई 58. इतना परसेंट का नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, उसमें कोई भी नंबर पे इतना हम घटा देते हैं तो वो 640 हो जाता है। देखिए 58 1/3 कितना परसेंट होता है, ये लगभग 7/12 होता है, एक मिनट, क्योंकि 58 हाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 58 1/3% यानी कम होता है, यानी -7/12 हो जा रहा है। ठीक है, 12 था उसमें 7 कम हो गया, ठीक है, तो 12 में से 7 कम हो गया, यानी 5, 5 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 640, ठीक है, 12 का वैल्यू निकालना है, निकाल लीजिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 12 नहीं, इसमें 131 निकालना है, ठीक है, उससे थोड़ा ज़्यादा निकालना है, तो देख लीजिएगा ऐसा कैसे निकलेगा। अब ये 47 और 48 वही लगभग लगभग सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है कि कोई भी नंबर है उसको 25% घटा देते हैं, ठीक है, तो 25% घटा देते हैं तो वो 120% बन जाता है, मतलब वाई है उसका 25% घटा दे तो बचा कितना, वो बचा तो 75%, तो वाई जो 75% है वो कितना 120% हो जाता है जेड का, तो जेड का 120%, तो ये परसेंटेज से ये परसेंट कट जाएगा, और फिर अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो वाई वाई बटे जेड आपका 8/5 हो जाएगा, और 8/5 कितना होगा, 1/5 कितना होता है 20%, उससे 30 ज़्यादा है, 20 भी 40 भी 60, 60% ज़्यादा है ना, यानी 100 + 60 160, 49 और 50। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन दो तो देख लीजिए, 49 का हाँ 25% वाला है और एक ये 66.5%, ठीक है, बन जाना चाहिए, कोई भी नंबर है उसका 66.5%, ठीक है, ऑफ 75%, तो 66.5 कितना होता है, 1/66.5% और 75% 1/8 ऑफ द सर्टेन, मतलब कोई भी सर्टेन नंबर का 1/8, ठीक है, उसका 75% 3/2, 66% हो जाएगा आपका 2/3, 1/3 कितना होता है 33.5, और 33 का डबल है वो कितना 179, तो उसका 33% ही निकालने बोला है, ठीक है, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, कोई भी नंबर है नंबर का, ठीक है, तब इस नंबर को आगे उधर मल्टीप्लाई करिएगा तो 179 को इधर 8 उधर चला जाएगा, 3/4 तक करके 2 हुआ, ठीक है, तो 8 × 16 उधर 16 चला, तो नंबर कितना हो गया, ये हो जाएगा नंबर, और नंबर का 33.5% बोल रहा है, यानी नंबर का भी 33.5%,
3.34 इस नंबर का, ये नंबर जो था ना पहले देखिए, कोई नंबर है 66.5%, उसका 66% 2/3, उसका 75%, यानी 3/4, उसका 1/8, 1/8, कोई सर्टेन नंबर है, कोई भी नंबर का अगर इतना करते हैं तो 179 होता है, ठीक है। तो नंबर हम निकाल लिए, वो नंबर कितना हो जाएगा, 179 × 16। अब बोल रहा है कि अब बताइए उसी नंबर का, इसी नंबर का 33.5%, 33% 1/3 ऑफ द 3/4, उसका भी 3 × 4 करिए, अब बताइए कितना होगा। तो चार का बारे में, चार बारे में 3 से 3 कट गया, यानी 179 को आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, 9 × 18 = 36, लास्ट में 6 आएगा, तो ये दोनों में से कोई होगा, ठीक है। तो ये वैसे ही ये भी आपका बन जाएगा, ठीक है, ये भी बता दें आपको, तो लगभग 150 क्वेश्चन है इस सेट में, 50 हो गया है, 50 अब अगला क्लास में करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो होता है एंड, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइव क्लास ज्वाइन होने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, और आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको लाइव क्लास में ज्वाइन कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।